स्क्वायर की शानदार ट्रिक्स के साथ मैं आपके सामने जुड़ चुका हूं। तो गाइज कम समय में ज्यादा चीजें आपको मैं बताऊंगा, तो मेरा कोऑपरेट करना, चिंता मत करना, प्रैक्टिस आप घर पे करोगे, मैं आपको बस फंडा बताने वाला हूं। क्लियर है ना? सेटिस्फाई हो जाओगे, ये मैं गारंटी से कहता हूं। क्लियर? चलिएगा, चलता हूं मैं अपने स्क्वायर की ट्रिक्स की तरफ। तो मैंने स्क्वायर की ट्रिक्स को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया है ये आपके सामने डिस्कस करता हूं। अगर आप टू डिजिट के कोई नंबर का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, मतलब कोई टू डिजिट का नंबर है उसका स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो आप कैसे निकालेंगे मैं आपको मेथड बताने वाला हूं। तो आपकी ट्रिक्स क्या है ये आपको समझ में आ जाएगी। मैंने आपको बोल दिया कि आपको 32 का स्क्वायर निकालना है, तो मेरे प्यारे भाइयों बस सामने देखते जाओ और आंसर निकालते जाओ, बस इतना मैं कहूंगा। तो मेरा पहला ट्रिक क्या कहता है, पहला मेथड क्या कहता है, ये ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ टू डिजिट की बात कर रहा हूं मैं, तो मतलब एक से सौ तक का तो काम हो गया, तीन डिजिट में अभी देखते हैं सारी चीजें। क्लियर है? सब लोग जुड़ जाइए। तो मैं क्या कहूंगा, 3 × 2 मतलब इन दोनों का गुणा किया और इस 2 का भी गुणा कर दिया। यहां पे कितना आया मेरे पास, 3 × 6 = 12 आ गया। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको 3 का स्क्वायर क्या होता है, 09, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 04। भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन हमें हमेशा दो डिजिट रखनी है, तो 2 में 1 आती है, तो मैंने 0 आगे लगा दिया, क्या फर्क पड़ने वाला है, वैसे तो 4 ही है। तो आपको कुछ नहीं करना, इस 12 को एक छोड़ के जोड़ दीजिए, बस मतलब ये वाला छोड़ के जोड़ दीजिए और आपका आंसर आपके सामने है 10 = 24। क्लियर हो गया? नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, अगला एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, पहना दीजिए उस क्वेश्चन को जामा। और अगला एग्जांपल आपके सामने इस प्रकार रखूंगा कि जैसे कि मैंने कहा आपसे 74 का स्क्वायर करिए, चलिए सीख जाओगे और आज जामा पहना दीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि मजा तो आएगा, क्योंकि संडे को भी क्लास हो रही है। क्यों? क्योंकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट आपको मिल सके। फटाफट से करिए इसका, क्या हो रहा है जल्दी से मुझे दिखाइए। 7 × 4 × 2 क्या करना है, वही चीज मैं बता रहा हूं, पहला मेथड डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, 7 × 4 × 2 किया, तो 7 × 28 = 56 ठीक है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 4 का कितना होता है, 16, कोई दिक्कत नहीं है। अब 56 को यहां पे रख के जोड़ दीजिए, मतलब एक सरका के, तो यहां पे देखा 6 7, ये आ जाएगा आपका 5 4 7 6, आपका आंसर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, चीजें समझ में आ रही है ना? अब फास्ट कैसे करेंगे सर, ये थोड़ा स्लो है ना, सेकंड्स में करना सिखाऊंगा, सेकंड्स में। तो चलिएगा, और फास्ट कैसे कर सकते हैं, और फास्ट ऐसे करेंगे, तो आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। 87 का स्क्वायर आपको करना है, कैसे करोगे, दिमाग में करना है, अब दिमाग में करना स्टार्ट, हर चीज को फंडा बताऊंगा लेकिन दिमाग से सोचना और दिमाग से करना स्टार्ट कर दीजिए। 8 × 7 = 56, 56 × 2 = 112, मतलब 2 का गुणा तो होना ही है, तो मैं ये कह सकता हूं 8 × 64, 7 × 49 और 112 को यहां जोड़ दीजिए एक पीछे का छोड़ के, तो 9 6 5 7 आंसर आ गया सबका। जी मुझे बताइए सबका आंसर आ गया ना, क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है, सब लोग लाइक करके जाना जितने भी देख रहे हैं, यही बात मैं कहना चाहता हूं कि मजा आएगा। अभी तो शुरुआत है, 100 तक का काम कंप्लीट हो चुका है, आप अब किसी भी नंबर का निकाल के देख सकते हैं डबल डिजिट में। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या कहता है वो ध्यान से देखिएगा। पहला मेथड आपने क्लियर कर लिया, पहला मेथड आप क्लियर कर चुके हैं, अब दूसरा मेथड समझना, अगर उसको समझ गए ना, वो यूनिवर्सल मेथड है, मतलब 1000 क्या 5000 तक का स्क्वायर निकालना, लेकिन समझना बहुत बारीकी से। क्लियर है? तो इसी में मैं दूसरा मेथड आपको समझाना चाहता हूं, सेकंड मेथड, और यही मेथड से हम 3 डिजिट का भी करने वाले हैं। तो सब लोग देख लीजिए इस मेथड को कि क्या है, ध्यान से समझना, एक एक चीज बोलूंगा उसको ध्यान से समझ लो, कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। 87 को मैंने ले लिया, अब मेरे प्यारे भाइयों 87 में मुझे जीरो लाना है, मतलब 87 के पास में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पीछे जीरो हो जाए, इतना काम तो आप कर सकते हो ना। तो आप कह दीजिए कि सर आप +3 कर दो ना, +3 करते ही मेरा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, मैंने सिर्फ 90 लिया है समझाने के लिए, ठीक है ना, 90 हो जाएगा, +3 कर दिया, जो आपने जोड़ा है वही आपको घटाना है, जो आपने जोड़ा है वही आपको घटाना है। ठीक है, तो जो आपने जोड़ा है वही आपने घटाया है, वो क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर यहां पे रख दीजिए 09, ये काम कर लिया, 3 का स्क्वायर आपने रख दीजिए 09। अब आपके सामने क्या है, अब आपके सामने क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना, चीज कब समझ में आ गई, पहले तो हमने इसको वहां पहुंचाया 0 के पास में, तो 0 एक 3 जोड़ेंगे और 3 घटाएंगे तो हमारा बन जाएगा 90, तो कुछ नहीं करना, जब इसमें जोड़ोगे तो 90 आ रहा है,
और इसमें से ये घटाओगे तो कितना आ रहा है, 84 आ रहा है। यहां तक बात समझ में आ रही है मेरी, क्लियर हो रहा है? अब मेरे प्यारे भाइयों, यहां पे आपका एक जीरो है ना, यहां पे आपका एक जीरो है, तो एक जीरो है तो उस जीरो को हटाने के लिए 10 का भाग दे दीजिए। 10 का भाग दे दिया क्योंकि एक जीरो थी तो मैंने 10 का भाग दे दिया। जिसका मैंने भाग दिया है उतने डिजिट यहां पे रहेंगे, बस इतना काम याद कर लेना बस आप। तो जितना मैंने भाग दिया, 10 का भाग दिया तो एक डिजिट यहां रहेगा और जीरो आपका कैरी में चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जीरो से जीरो काटा, 9 चौक 36 का 6, कैरी आया 3, 9 8 72 और 3 75, ठीक है, और 09। तो यहां पे मेरा 10 से डिवाइड किया था तो एक डिजिट रहेगा, जीरो कैरी आ जाएगा, तो 7569 ही आपका आंसर है। और यहां से भी वही आ रहा था। नहीं आया समझ में, टेंशन मत लीजिए, सबसे बेस्ट मेथड आपको बता दिया है, सबसे बेस्ट। हालांकि दो डिजिट में ये अच्छा है, मान रहे होंगे आप भी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दो आपके तर्कश में दोनों तीर दूंगा, आपके जो मर्जी आए वो करिए, लेकिन ये भी समझ लीजिए क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन आप इससे करने वाले हो। तो चलते हैं अब थ्री डिजिट के स्क्वायर की तरफ। कंसेप्ट यही होगा, मेथड यही होगा, समय आपका कम लूंगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। तो तीन डिजिट का आप स्क्वायर करना सीख रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है मुस्कुराते हुए लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली 11 बजे क्लास लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिएगा, और थ्री डिजिट स्क्वायर आपके सामने मैं रखने वाला हूं और अब उसको करते हैं। हर एक क्वेश्चन को 3-4 क्वेश्चन करा दूंगा, फिर होमवर्क में दूंगा, आराम से करना घर बैठ के, क्लियर है ना। चलिएगा, तो अब आपके सामने आंसर भी मेरे सबके आ रहे हैं, मजा आ रहा है ना, बताते रहे यार, मजा आ रहा है ना जी, बिल्कुल आना भी चाहिए, क्लियर। चलिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपके सामने और क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन इस प्रकार मैंने रख दिया, 213 का स्क्वायर। देखो कैसे बताया मैंने कि 213 है, इसके पास में क्या है, कौन सा ऐसा नंबर है जो जीरो लेके बैठा है। मैंने देखा कि 200 है तो माइनस का 13 कर दिया और प्लस का 13 कर दिया, मतलब 200 पहुंचाने के लिए माइनस का 13 प्लस का 13 कर दिया। और अब साइड में क्या करना है, इस जो संख्या घटाई है वही संख्या जोड़नी पड़ती है, ये आपको पता है। इन दोनों का मतलब 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 169। यहां तक बात समझ में आ गई। जब मैं 13 इसमें से माइनस करूंगा तो 200 और मल्टीप्लाई 13 इसमें जोड़ूंगा तो 226। यहां तक बात समझ में आ गई भाई, जो चीज करनी है भाई, माइनस करना है तो माइनस करके लिख दिया, जोड़ना है तो जोड़ के लिख दिया, क्लियर हो रहा है, समझ में आया, और कुछ भी नहीं करना। अब आपको पता लग गया दो जीरो हैं तो यहां पे हमेशा दो अंक रहेंगे, दो जीरो दो अंक, एक आपका हासिल में चला जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। और आपको क्या करना है, 100 से भाग देना है, क्योंकि दो जो जीरो है भाग दे दीजिए, ये कितना आ जाएगा आपके सामने, 452 और 169 यहां पे है और एक कैरी आ जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूं 45369 आपका आंसर है। आप चेक कर लीजिए, कैलकुलेटर से कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं, हां तो आप अपना आंसर देख सकते हैं, चेक कर लीजिए कि क्या आपका आंसर आ रहा है और क्या ये आंसर सही है जी। बिल्कुल, जब से सबके आंसर भी मेरे सामने देखने को मिल रहे हैं मुझे, तो आप देख लीजिए, खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो 45369 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया कंसेप्ट? अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ट्राई करेंगे, चाहे जितना भी बड़ा आ जाए मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं, मजा आ रहा है तो लाइक करते रहिए, ठीक है। चलिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, एक एक चीज देखते जाना। अब अगला मैं लिख रहा हूं आपके सामने, 388 का स्क्वायर। चलो मेरे प्यारे भाइयों, इस क्वेश्चन को जामा पहना दीजिए, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या करोगे, सर ये 400 के पास में है ना, अब जल्दी कैसे कर सकते हैं, आप देखिए 12 तो जोड़ दीजिए, माइनस 12 कर दीजिए भाई, 400 पे पहुंचाने के लिए 12 जोड़ना था और जो जोड़ना था वही घटाना पड़ेगा, और साइड में क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर मैं रख दूंगा, 400 का 4 यहां रख दीजिए। आपको पता है दो जीरो हैं भाई, 400 में दो जीरो हैं तो दो अंक यहां रहेंगे, एक आपका हासिल जाएगा, ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 4 गुणा माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 376, और जब इसका गुणा करोगे तो आप देख सकते हैं, जब 4 का मैं गुणा करूंगा, 6 चौक 24, 2 7 चौक 28 और 2 30, 3 4 3 12 और 3 15 और 144 यहां पे है, देख लेना कोई इशू नहीं है। और देख लीजिए 15 एक कैरी आ जाएगा, 15 0 5 44, ये आपका आंसर है जी, बिल्कुल चेक कर लीजिए। और मेरे प्यारे भाई सब आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहना, जिससे कि मैं चीजें देख सकूं और आपके सामने बता सकूं। तो 150 544 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन,
क्लियर हो गया? जल्दी से मुझे बताएं क्लियर हो गया। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ, जिससे कि आप कम समय में ज्यादा चीज सीख पाए। मजा आ रहा है ना? तो लाइक करके जरूर जाना जो भी स्टूडेंट देख रहा हो। 1 से 1000 तक का वादा किया था, पहले कोई भी नंबर उठा लेना, अगर अच्छा लगे तो ही करना, है ना। अब मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं, अगला प्रश्न ये लिख दिया है और इसको पहना ये जामा, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है 678 को करिए, फटाफट से करिए। 678 का स्क्वायर करेंगे सब लोग, कैसे करेंगे? वही फंडा अपनाइए, मजे से पढ़ते रहिए, कोई इशू नहीं है। मैंने क्या कहा यहां पे, मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि मेरा 700 बन जाए? तो आपने कहा 22 जोड़ दो और 22 ही घटाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? 22 जोड़ते ही मेरा कितना बन गया, 700 का 7 मल्टीप्लाई 22 घटाओगे तो 6, 5 और 6, ये क्लियर हो गया। यहां पे क्या आएगा, 22 का स्क्वायर 484, मतलब 700 था, 20 थी, 2 अंक रहेंगे, 4 आपका आंसर चला जाएगा और आंसर सबके आ रहे चाहिए, बहुत बढ़िया आ रहे हैं। तो 7×6 42 का 2 कैरी आया 4, और 7×5 35 और 4×39 3×7 42 और 3×45 92, और आप यहां कह सकते हो 484 है, 4 आपका हासिल, 45×96 84 आपका आंसर हो जाएगा। जी बिल्कुल कर दीजिए कैलकुलेट, कोई बड़ा इशू नहीं है। मजा आ रहा है तो मुझे बिल्कुल बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। और एक लास्ट क्वेश्चन दूंगा, फिर उसके बाद आपको होमवर्क में भी मैं क्वेश्चन देने वाला हूं। तो 459684 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, जो कि एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन उसको पता होना चाहिए। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि आपको 747 का स्क्वायर करना है, कर दिया भाई, बोल दिया तो बोल दिया, 747 का स्क्वायर कर, मजा आ रहा है, चलेगा। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। इसके बाद आपको होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, सब कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, मैं उनको देखूंगा, मैं बड़ी खुशी महसूस करूंगा, और एक एक कंसेप्ट को वाइज करेंगे। अब ये किसके पास है? अब आप कहोगे कि 750 लो ना, ना तो ये 700 के पास ले सकते हो, ना 800 के पास ले सकते हो। तो मैंने आपकी बात मानी, तो मैंने कहा कि मैं +3 करता हूं, -3 करता हूं, मैंने भी आपकी बात मान ली, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 का स्क्वायर यहां पे आ जाएगा आपका 09, यहां भी आप खुश होंगे, कोई इशू नहीं है। अब यहां मैंने देखा इसको जोड़ूंगा तो मेरे पास 750 आ गया, और इसको मैं घटाऊंगा तो मेरे पास 744 आ गया, कोई इशू नहीं मुझे अभी तक, कोई नहीं है। अगर मैं यहां पे 10 का भाग देता हूं, अगर मैं यहां पे 10 का भाग देता हूं तो मेरे यहां पे क्या रहेगा, 1 रहेगा नंबर, यह पता है। अगर मैं यहां पे 100 का भाग देता हूं तो यहां मेरे 2 नंबर रहेंगे, यह भी आपको पता है, है ना। तो मैंने 100 का दे लिया तो ये क्या बन गया, 7.5, मतलब 7.5 बन गए, 7.5, देख लो यार, 7.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 15/2 इंटू 744 और 09 मेरा आएगा। आप खुशी खुशी, कोई कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। 15/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 15/2 को मैं लिख सकता हूं 30/4, लिख सकता हूं ना, जी बिल्कुल लिख सकता हूं, आप भी कर लीजिए, इससे आसान होगी कैलकुलेशन, इसलिए कर रहा हूं बस मैं, ठीक है। तो मैंने 15/2 को 30/4 लिख दिया, 4 से मैंने काटा, 4×1=4, 4×8=32, 4×6=24, 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 6×3=18, 18×3=54 और 1×5=55, और ये मेरे सामने आंसर आ जाएगा 558009, क्लियर है, 558009 विल बी माई आंसर। चीजें क्लियर हो गई, आपको ऐसे ही करना है सारा क्वेश्चन, क्लियर है, आप कर लेंगे ना, कोई इशू नहीं है ना। देख लीजिए, संडे को आए हैं और आपके लिए आया हूं, चीजें समझ में आ गई होंगी, मजा आ गया तो लाइक करके जाना। अब आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन दूंगा, सभी क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, मजा आएगा। तो बिल्कुल जब आप आंसर निकाल लो और कैलकुलेटर से चेक कर लो, तब अच्छे से लाइक कीजिएगा, मुझे खुशी होगी इस बात से कि आप ट्राई करेंगे 1 से 1000 तक कोई भी क्वेश्चन, तो मैं आपको अपनी मर्जी से दे देता हूं, जिससे कि आप सभी क्वेश्चंस का आंसर निकाल पाएं। 257 का निकालना है, 668 का आपको आंसर निकालना है, 572 का आपको आंसर निकालना है, 345 का आपको आंसर निकालना है, और बस इतना ही दे देते हैं, इतना कर लेना, कोई इशू नहीं है। तो यहां तक आपके ये होमवर्क के क्वेश्चन है, तो गाइज ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगर अच्छा लगा है तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बता दी है, 1 से 1000 तक के स्क्वायर को आप चुटकियों में खिसका सकते हो, अब क्लियर है ना, और किसी को भी बता सकते हो, 2 मेथड आपको बता दिए हैं। एंजॉय करिए इस स्टडी को और जुड़े रहिए मेरे साथ में। तो गाइज होप यू लाइक इट, बाय बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल।